स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था इंडोस्पर्म के आधार पर, भ्रूणपोष के आधार पर बीज कितने प्रकार के होते हैं। तो भ्रूणपोष के आधार पर बीज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, भ्रूणपोषी बीज और अभ्रूणपोषी बीज। हमने आपको बताया था कि भ्रूणपोषी बीज वैसे बीज होते हैं जिनमें भ्रूणपोष यानी कि इंडोस्पर्म की मात्रा होती है। तो इसके अंतर्गत जो होते हैं, जो जनरली एक बीजपत्री बीज होते हैं, जितने सारे भी अनाज होते हैं वे सारे के सारे आ जाते हैं, ये हो जाते हैं आपको एक बीजपत्री बीज। सामान्यता क्या होते हैं, भ्रूणपोषी होते हैं। लेकिन जो अभ्रूणपोषी बीज होते हैं इसके अंतर्गत सामान्यतः द्विबीजपत्री बीज आते हैं, जैसे कि मटर, इसके अलावा सोयाबीन, मूंगफली इत्यादि। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ से कि जितने भी दाल वाले जो बीज होते हैं या फिर तिलहन बीज होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं अभ्रूणपोषी बीज होते हैं, अर्थात इनमें भ्रूणपोष की मात्रा नहीं रहती है। तो उसके बाद का जो टॉपिक है, हम लोग उस पर चलते हैं। उसके बाद का जो टॉपिक है वह है आपका भ्रूण। अब देखिए, आपको वो एक क्वेश्चन याद होगा, यदि याद नहीं तो फिर आप उसको एक बार फिर से रिविजन कर ले। तो हमने आपको बताया था कि जनरली क्या होता है, यदि एक नरीगुमक नरयुग्मक, उसके बाद फिर हमने आपको बताया था मादायुग्मक, मादायुग्मक को समानता लोग अंड कहते हैं। ये दोनों जब आपस में फ्यूज करते हैं तो फ्यूजन के बाद बनाते हैं जायगोट, फ्यूजन के बाद बनाते हैं जायगोट, और जायगोट से फिर क्या बनता है, जायगोट से बनता है भ्रूण। तो हमने आपको बताया था कि ये जायगोट से जब भ्रूण बनेगा, लेकिन इस प्रक्रिया में यानी कि भ्रूणोद्भव की प्रक्रिया में क्या होते हैं, भ्रूणपोष की आवश्यकता होती है, क्योंकि जायगोट को विकास करने के लिए भ्रूणपोष जरूरी होता है। भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। अतः इस भ्रूण के निर्माण में भ्रूणपोष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जायगोट अब भ्रूण के रूप में परिवर्तित होने जा रहा है, और यही भ्रूण जो होता है एक बीज में निहित होता है, छिपा हुआ होता है। जब हम किसी बीज को बोते हैं तो बोने के पश्चात वह हमें एक नया पौधा प्राप्त होता है। तो वह पौधा प्राप्ति के लिए हमें उस भ्रूण को देखना होता है, अर्थात बीज में छिपे हुए भ्रूण के कारण ही एक नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो यह है हमारा आज का मोटो। सबसे पहले हम आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपने भ्रूणकोश की संरचना पढ़ा है, और उस भ्रूणकोश की संरचना में आप याद कीजिए, हमने आपको कुछ इस तरह का डायग्राम बताया था, इस तरह का हमने एक डायग्राम बताया था, और ऊपर का जो सिरा था हमने उसे कहा था कॉलेजन सिरा, और यहाँ पर तीन सेल्स बनते थे, और इस सेल को हमने कहा था, इस कोशिका को हमने कहा था कॉलेजन कोशिका, और इसके अलावा फिर हमने बताया था कि नीचे भी तीन कोशिकाएं होती हैं, नीचे भी तीन कोशिकाएं होती हैं, जो दो कोशिकाएं होती है उसे हम लोग कहते हैं सिनर्जिड कोशिका, और जो बचा हुआ एक होता है उसे हम लोग कहते हैं अंड कोशिका। तो देखिए, मादा युग्मक जो होता है वह अंड कोशिका ही होती है। यदि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नीचे वाले सिरे पर हो रही है, यानी कि माइक्रोपाइलर सिरे पर हो रही है, इसका मतलब है कि भ्रूण का निर्माण भी कहाँ हो रहा होगा, माइक्रोपाइलर वाले सिरे पर ही हो रहा होगा। इस बात को आप लोग फिर से नोट कीजिएगा, ऊपर का जो सिरा है वो कॉलेजन सिरा है, नीचे का जो सिरा है वो माइक्रोपाइलर सिरा है, और माइक्रोपाइलर सिरा पर ही अंड कोशिका है। और यदि इस भ्रूणकोष में प्रागनलिका के माध्यम से कोई नरयुग्मक यदि प्रवेश करता है तो वह फर्टिलाइज भी यहीं पर करेगा, निश्चन भी यहीं पर करेगा। तो अतः अंड कोशिका जहां पर निश्चन करेगा वहीं पर जाकर के क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा। अतः हम यहां से कह सकते हैं पहला स्टेटमेंट, भ्रूणकोष के माइक्रोपाइलर सिरा, भ्रूणकोष के माइक्रोपाइलर सिरा पर क्या होता है, माइक्रोसिरा पर ये भ्रूण का विकास होता है। यानी कि भ्रूण का विकास, यदि आपसे पूछा जाए कि भ्रूण का विकास किस सिरे पर होगा, तो भ्रूणकोष के माइक्रोपाइलर सिरे पर होगा। आइए हम दूसरे पॉइंट्स को पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि अधिकांश जायगोट जो होते हैं वो भ्रूणकोष की कुछ मात्रा बनने के बाद ही विभाजित होते हैं। स्वाभाविक बात है, हमने आपको बताया था कि जायगोट आगे चल के भ्रूण के रूप में विकसित होगा, लेकिन शुरुआती अवस्था में जायगोट जो होते हैं एक कोशिकीय अवस्था होते हैं,
लेकिन जब विभाजन करेगा तो एक से दो, दो से चार कोशिकाएं बनेगी। लेकिन इस दौरान क्या होगा, विभाजन के दौरान जायगोट को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण की आवश्यकता होगी, और यह पोषण की आवश्यकता की पूर्ति भ्रूणकोष करता है जो कि यहाँ पर बनता है सेंट्रल सेल में। आपको याद होगा ये भ्रूणकोष जो होता है यही जायगोट को पोषण देता है, तब जाकर के जायगोट क्या होता है, विभाजित होता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि जायगोट का जो विभाजन होगा वह भ्रूणकोष की कुछ मात्रा बनने के बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि जायगोट को विभाजन के दौरान पोषण चाहिए। आइए अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री दोनों, एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री जिनमें बीजपत्र की संख्या एक हो और जिनमें बीजपत्र की संख्या दो हो, उन दोनों में क्या होता है, भ्रूणीय विकास की जो अवधि होती है, शुरुआती जो अवधि होती है, इनिशियल जो स्टेज होता है, वह दोनों का दोनों एक समान होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट बन सकता है कि बताइए कि एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री पौधों या एक बीजपत्री एवं द्विबीजपत्री बीज में जो भ्रूण का जो विकास होता है वह किस प्रकार का होता है, वह दोनों शुरुआती अवस्था में एक समान होता है। ध्यान रखिए इस बात को। अब आइए जायगोट पहले क्या होता है, प्रो एम्ब्रायो के रूप में, प्राक भ्रूण के रूप में डेवलप करता है। प्रो एम्ब्रायो क्या होता है, एक मैच्योर एम्ब्रायो यानी कि परिपक्व एम्ब्रायो के ठीक पहले का जो स्टेज होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रो एम्ब्रायो, यानी कि अभी जो भ्रूण का जो विकास हुआ है वो पूरी तरह से नहीं हुआ है, वह विकसित होने के कुछ पहले का अवस्था है, इसलिए इस स्टेज को हम लोग कहते हैं प्रो एम्ब्रायो। ध्यान रखिएगा प्रो एम्ब्रायो यानी कि प्राक भ्रूण। तो जायगोट जब विभाजन करेगा तो स्वाभाविक बात है कि पहले वो प्रो एम्ब्रायो के रूप में डेवलप करेगा और उसके बाद जो होगा वह कुछ शेप लेता है, वह होता है आपका गोलाकार शेप होता है और हृदयाकार होता है, यानी कि ये ग्लोबुलर शेप और हर्ट शेप के रूप में डेवलप होता है, और उसके बाद जो होता है वह परिपक्व हो जाता है यानी कि मैच्योर हो जाता है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही है, इसके बाद का जो टॉपिक है थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट और भी हम आपको समझाते हैं, इन दोनों डायग्राम को भी हम लेकर चलते हैं, लेकिन उससे पहले हमने आपको याद कीजिए क्लास में भी बार बार हम आपको एक डायग्राम बताते होंगे जिसमें क्या होता था, एक अंकुरित चना लेते थे, अंकुरित चना का जो नुकीला वाला भाग होता था उसके ठीक नीचे एक छिद्र होता था जिस छिद्र को हम कहते थे माइक्रोपाइल छिद्र, और यहाँ से क्या होता था बीज को बाहरी इन्वायरमेंट से, बाहरी पर्यावरण से क्या होता था उसे मॉइस्चर यानी फिर एयर मिलता था, उसके बाद फिर वो क्या होता है जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है। तो कुछ इस तरह से सेब बनते हैं, हमने आपको बताया था कुछ इस तरह से सेब बनते हैं। जब आप एक अंकुरित चने को देखोगे और आप देखोगे उसे गौर से तो फिर उसमें क्या होता है, एक भाग जो होता है नीचे की ओर विकसित होगा और फिर एक भाग क्या होगा ऊपर की ओर विकसित होगा। जो ऊपर की ओर विकसित होता है उसे हम लोग कहते हैं प्रांकुर, उसे हम लोग क्या कहते हैं प्रांकुर यानी कि प्लूमोल कहते हैं, और जो नीचे की ओर विकसित होता है उसे हम लोग कहते हैं मूलांकुर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं मूलांकुर कहते हैं या फिर रेडिकल कहते हैं, रेडिकल यानी कि मूलांकुर। अब देखिए प्रांकुर से क्या होता है, इससे तना का विकास होगा, और जबकि मूल से बना है मूलांकुर यानी कि मूल से क्या बनेंगे जड़ बनेंगे, मूलांकुर से क्या बनेंगे जड़ का विकास होगा। ध्यान रखिएगा अक्सर ये तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पौधे के तना का विकास बीज के किस भाग से होता है, तना का विकास जो होगा वो प्रांकुर से होगा और जड़ का जो विकास होगा वह मूलांकुर से होगा। तो ठीक इसी तरह का स्टेज हमने यहाँ पर लिया है, कुछ डायग्राम है आपके बुक्स के उसको हम देखते हैं। ये है आपका प्रांकुर और यहां पर था आपका स्कूटीला, थोड़ा सा यहां पर देखा जाए दो डायग्राम है, एक
अपर पोर्शन में अभी आपको दिख रहा है और नीचे में भी दिख रहा है, ठीक है। तो अपर पोर्शन का जो डायग्राम है वह है आपका द्विबीजपत्री का है और नीचे का जो है वह है आपका एकबीजपत्री का है। यह आपका हो गया एकबीजपत्री, सॉरी ये आपका हो जाता है द्विबीजपत्री और नीचे का जो होगा आपका वह हो जाएगा आपका एकबीजपत्री। इस बात से आप अवगत हो चुके हैं कि जो मूलांकुर है वह मूल का निर्माण करेगा और जो प्रांकुर है वह तना का निर्माण करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां से सबसे पहले हम लोग समझते हैं, यहां से कुछ पॉइंट्स को नोट करते हैं। जो बीज का प्रांकुर होता है उससे विकास होता है तना, और जो बीज का मूलांकुर होता है उससे विकास होता है जड़ का, यानी कि मूल का विकास होता है, ठीक है। अब देखिए यहां से एक बात नोटिस किया जाए कि प्रांकुर जो होते हैं और जो मूलांकुर होते हैं ये दोनों जो होते हैं किसी न किसी अविभेदित आवरण से घिरे हुए होते हैं, ये दोनों जो होते हैं किसी न किसी अविभेदित आवरण से घिरे हुए होते हैं। तो प्रांकुर जिस अविभेदित आवरण से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं पोलियोप्टाइल, उसे हम लोग क्या कहते हैं पोलियोप्टाइल कहते हैं। तो देखा जाए यहां से यह जिस आवरण से घिरा हुआ होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे पोलियोप्टाइल कहेंगे, यह आपका हो जाएगा पोलियोप्टाइल, ठीक है। जबकि मूलांकुर जिस आवरण से घिरा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं पोलियोराइजा, इसके आवरण को हम लोग क्या कहेंगे पोलियोराइजा कहेंगे, क्या होता है। सामान्यतः एक बीजपत्री बीज जो होते हैं उसमें बीजपत्र की जो संख्या होती है वह एक होती है, और यहां पर इसी बीज पत्र को प्रसल्क कहा जाता है। आप यहाँ से एक लाइन में कह सकते हैं कि एक बीज पत्री बीज में जो बीज पत्र होते हैं उसे हम लोग प्रसल्क या फिर स्कूटेलम के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा अब यहाँ पर एक पॉइंट आपका और भी बचा है, हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, हाइपोकोटाइल जो होता है हाइपोकोटाइल भ्रूणीय अक्ष से जो नीचे का जो स्तर होता है उसे हम लोग हाइपोकोटाइल कहते हैं, और जो भ्रूणीय अक्ष का ऊपर का जो स्तर होता है उसे हम लोग एपिकोटाइल कहते हैं। जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइपोकोटाइल जो नीचे का स्तर है वह हाइपोकोटाइल है और जो ऊपर का जो स्तर होगा उसे हम लोग कहेंगे एपिकोटाइल कहेंगे। अब देखिए यहाँ से मूलांकुर यहाँ पर क्या है, सामान्यतः एक कैप लाइक स्ट्रक्चर से ढका हुआ है, एक टोपी नुमा संरचना के माध्यम से ढका हुआ है ताकि यह इसे यानी कि मूलांकुर को विकासी मूलांकुर को सुरक्षा दे सके। तो यह जो गोलाकार आवरण है यह जो आपका कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग कहते हैं रूट कैप यानी कि मूल गोप कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं मूल गोप कहते हैं, जो जड़ के निर्माण के समय मूलांकुर को सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये जो मूल गोप होता है रूट कैप होता है द्विबीजपत्री और एकबीजपत्री दोनों प्रकार के अंकुरित बीजों में होता है ताकि मूलांकुर को जड़ निर्माण के समय सुरक्षा मिल सके, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। तो ये टॉपिक आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद का जो टॉपिक है वह है आपका सीड, इसमें सीड यानी कि बीज के बारे में हम बीज के इस टॉपिक के अगले अगला जो टॉपिक है बीज इस टॉपिक के बारे में हम आपको कुछ पहले से भी बता रखे हैं लेकिन एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर रीडिंग लगा लीजिए बीज यानी कि सीड, रीडिंग लगाइए।
बीज, बीज का जो विकास होता है वो बीजांड से होता है। हम आपको बताए थे कि निषेचन पांच जो घटनाएं होती हैं, निषेचन के बाद जो होने वाली घटनाएं होती हैं, उन घटनाओं में बीज का निर्माण भी शामिल होता है। तो सामान्यतः यहाँ पर क्या होते हैं, हम आपको बताए थे कि बीजांड से बीज का विकास होता है। बीजांड से क्या बनता है, बीज बनता है। इसके अलावा अंडाशय से क्या बनते हैं, फल बनते हैं। और जो अंडाशय की जो भित्ति होती है, यानी कि अंडाशय की जो दीवार होती है, उस अंडाशय की दीवार से फल की दीवार यानी कि पेरिकार्प बनती है, यानी कि आप इसे कह सकते हैं फल भित्ति। इससे क्या विकास होता है, फल भित्ति का विकास होता है, जो कि फल को एक सुरक्षा देने का कार्य करता है। तो ये अंडाशय भित्ति हो गया। तो ध्यान रखिएगा इन तीनों पॉइंट्स को, यहाँ से अक्सर आपको ये ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। मुख्य रूप से आपको ये और ये ऊपर का जो दोनों है वह पूछे जाते हैं। तो एक हम आपको बीज का जो प्रकार है, पहला जो आधार था वह था आपका भ्रूणकोश। भ्रूणकोश की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर हमने बीज को दो भागों में बांटा था, भ्रूणकोशीय बीज और अभ्रूणकोशीय बीज। वैसे बीज जिसमें भ्रूणकोश उपस्थित होते हैं उसे हम लोग भ्रूणकोशीय बीज कहते हैं, जबकि वैसे बीज जो जिसमें भ्रूणकोश उपस्थित नहीं होते हैं उसे हम लोग अभ्रूणकोशीय बीज कहते हैं। इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से आप रिविजन कर ले। अब देखिए हमने आपको पहला क्या बताया, पहला बताया हमने आपको भ्रूणकोशीय बीज या फिर भ्रूणकोशी बीज, इसे हम लोग इंडोस्पर्मिक सीड के नाम से जानते हैं। इंडोस्पर्मिक सीड यानी कि वैसे बीज जिसमें भ्रूणकोश पाए जाएंगे उसे हम लोग भ्रूणकोशी यानी कि इंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। इसे हम लोग एक और भी नाम से जानते हैं, इसे हम लोग एल्बुमिनस सीड के नाम से भी जानते हैं। एल्बुमिनस बीज एल्बुमिनस सीड, ध्यान रखिएगा। तो इसके एग्जांपल में आपको समानता एक बीजपत्री पौधों के बीज आते हैं, जैसे कि मक्का हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, जितने सारे भी अनाज हैं सामान्यतः इसी श्रेणी में आते हैं। इसके बाद जो है आपका सेकेंड नंबर है आपका अभ्रूणकोशी बीज। अभ्रूणकोशी बीज यानी कि नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड या फिर इसे हम लोग कहते हैं गैर एल्बुमिनस बीज। गैर का मतलब यहाँ पर आप नन भी लिख सकते हो, नन एल्बुमिनस सीड। नन एल्बुमिनस सीड इसके अंतर्गत आपको समानतः द्विबीजपत्री बीज, जैसे कि आपको मटर, मूंगफली, जितने भी दाल श्रेणी के बीज आते हैं वो सारे आते हैं। इसके बाद सोयाबीन हो गया, मूंगफली हो गया, यानी कि तिलहन पादपों के जो बीज होते हैं वो भी आपको इस श्रेणी में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये है आपका बीज का प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म की उपस्थिति यानी कि भ्रूणकोश की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार। इसके बाद जो है आपका एक टर्म आपका यहाँ से आता है पेरिस्पर्म। इसे हम लोग परिभ्रूणकोश के नाम से भी जानते हैं, परिभ्रूणकोश देखा जाए इसको। परिभ्रूणकोश क्या होता है, आपको बीजांड की संरचना याद होगी, ये बीच में भ्रूणकोश होता था, फिर इसके बाद एक आवरण, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमने आपको ड्रॉ किया था, याद हो।
फिर हमने बताया था बीजाणु समानता दो आवरण से घिरा होता है, इस दोनों आवरण को हम लोग कहते हैं अध्यावरण। एक साथ हम लोग क्या कहते हैं, अध्यावरण इंटरगमेंट्स कहते हैं। बीच में क्या होता है, बीच में भ्रूणकोश होता है, बीच में आपका भ्रूणकोश हो गया और इसको हमने कहा था अध्यावरण कहा था, यानी कि इंटरगमेंट्स कहा था। लेकिन इन दोनों के बीच में जो कुछ कोशिकाओं का समूह होता है इसे हमने कहा था बीजांडकाय। इसे हमने क्या कहा था, बीजांडकाय कहा था। तो समानता निश्चन के बाद क्या होता है, सारे यानी कि इससे पहले मैंने आपको भी बताया था कि बीजांड बीज के रूप में विकसित होगा, अंडाशय फल के रूप में, और अंडाशय की वृत्ति फल की दीवार के रूप में विकसित होगा। तो समानता क्या होते हैं, जब बीज का विकास होने लगता है तो अधिकांश कैटेगरी में क्या होता है, अधिकांश कैटेगरी के बीज में क्या होता है, सारे के सारे भ्रूणकोश भी खर्च हो जाते हैं, बीजांडकाय भी खर्च हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी श्रेणी आते हैं जहां पर बीजांडकाय जो होता है वह बचा हुआ रह जाता है। बीजांडकाय को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं न्यूसीलस। बीजांडकाय को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं न्यूसीलस। इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूसीलस कहते हैं। तो जो बचा हुआ निश्चन के बाद जो बचा हुआ बीजांड का यानी कि न्यूसेलस होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं। तो इसका एक्सलेंट एग्जांपल आपका काली मिर्च और चुकंदर में आता है, काली मिर्च और चुकंदर। यदि आपसे पूछा जाए निम्न से किस बीज में क्या होगा पेरिस्पर्म यानी कि परिभ्रूणकोश उपस्थित होंगे, उसमें आपका आएगा काली मिर्च और चुकंदर। ध्यान रखिएगा ये दोनों एग्जाम्पल इसके लिए बहुत ही फेमस है, अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताइए परिभ्रूणकोश में से किस बीज में उपस्थित होंगे, तो चुकंदर में और काली मिर्च। ध्यान रखिए इस बात को। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आपका वो है डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है हम उसको भी देखते हैं। डॉर्मेंसी को हम लोग कहते हैं प्रसुप्ति। इसे हम लोग कहते हैं प्रसुप्ति यानी कि डॉर्मेंसी। लिख करके आप लोग डैश दीजिएगा। प्राय ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में कुछ इसके फैक्ट्स हैं जो कि हम आपको बाद में बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझाना है कि प्रसुप्ति होता क्या है। जब बीजांड से बीज बन जाता है, तो इसी बीज के अंदर क्या होता है, जायगोट। जायगोट से भ्रूण का भी विकास हो जाता है। और हमने आपको बताया है कि बीज में जो पोषण की जो मात्रा होती है वो सीमित होती है, और यदि यह एक्टिव स्टेज में सदा के लिए रह जाए, सक्रिय अवस्था में सदा के लिए रह जाए, तो फिर इससे क्या होंगे, सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। जब एक बीज परिपक्व हो जाता है तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसके जो भ्रूण होते हैं वह निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय इस बीज की जो उपापचयी क्रियाएं होती है वो धीमी हो जाती है और भ्रूण जो होता है जाकर के एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाता है। तो बीज के इसी अवस्था को हम लोग प्रसुप्ति यानी कि डॉर्मेंसी कहते हैं। यह समानता एक अनुकूलन है ताकि फिर बाद में चल करके जब बीज को एक उचित वातावरण मिले तो फिर एक बीज क्या कर सके, एक पूर्ण पादप के रूप में विकसित हो सके। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ये जो प्रसुप्ति का जो काल होता है बहुत लंबे समय तक के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए होता है। हम लोग इस बार जो फसल काट करके लाते हैं घर और उसका जो बीज होता है हम अगले बार या फिर कई जनरेशन बाद तक भी हम लगाते हैं, तो ये होते हैं प्रसुप्ति। प्रसुप्ति का मुख्य रूप से यहाँ पर अर्थ हो गया बीज के भ्रूण की एक अवस्था, जिस अवस्था में बीज में जो उपापचयी क्रियाएं होती है वो धीमी हो जाती है और बीज का जो भ्रूण होता है वह एक निष्क्रिय अवस्था में प्रवेश कर जाता है और बीज की इसी अवस्था को हम लोग कहते हैं प्रसुप्ति। तो ध्यान रखिएगा इस बात। तो यहां से आपका
डॉर्मेंसी भी कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ से कुछ आपको फल के बारे में बताया गया है, फल क्या होता है और फल के प्रकार क्या होते हैं, हम लोग इसे भी देखते हैं। हेडिंग लगा लीजिए फल, फ्रूट, लिख कर डैश दे। देखते हैं लोग फल को। अभी जस्ट हमने कुछ समय पहले बताया कि जो फल का विकास होता है वह होता है अंडाशय से। जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन के बाद क्या होता है, अंडाशय ही फल का निर्माण करता है। ओवरी से फ्रूट बनते हैं, ओवरी से क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं। इस पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिएगा कि फल का जो विकास होगा वह अंडाशय से होता है। फल का विकास कहां से होता है, अंडाशय से होता है। तो देखिए यहां से फल का विकास अंडाशय से, तो अधिकांश फल ऐसे ही होते हैं और फल के उत्पत्ति के आधार पर फल को कई भागों में बांटा गया है। सामान्यतः आप देख रहे हैं कि फल का जो विकास हो रहा है वह अंडाशय से हो रहा है, और किससे हो रहा है, अंडाशय से हो रहा है। आपको पुष्प का डायग्राम भी याद होगा, हमने आपको अंडाशय की स्थिति भी बताई थी, कहाँ होती है, नीचे होती है, आधारीय भाग में होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर हम लोग फल के प्रकार को देखते हैं, और इन सारे टॉपिक्स का जो नोट्स है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ से जो पहला प्रकार है फल का वह है आपका वास्तविक फल। जो फर्स्ट टाइप है वह है आपका वास्तविक फल। वास्तविक फल यानी कि ट्रू फ्रूट, इसे हम लोग यथार्थ फल के नाम से भी जानते हैं, यथार्थ फल। अब देखिए वास्तविक फल किसे कहेंगे, हमने आपको बताया, अभी जस्ट बताया कि फल का विकास अंडाशय से होता है। तो वैसे फल जिसका विकास अंडाशय से हो, वैसे फल जिसका विकास या निर्माण अंडाशय से हो, वैसे फल को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक फल। और अधिकांश फल जो होते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। एक बार फिर से सुना जाए इस बात को कि वैसे फल जिसका विकास या निर्माण अंडाशय से हो, उसके अंडाशय से हो, उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक फल, ट्रू फ्रूट। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। आइए हम लोग अब सेकेंड टाइप को पढ़ते हैं। सेकेंड टाइप जो है आपका वह है आपका आभासी फल। इसे हम लोग कहते हैं आभासी फल, या फिर इसे हम लोग मिथ्या फल के नाम से भी जानते हैं। मिथ्या का मतलब होता है झूठा, आप इसे अंग्रेजी में फॉल्स फ्रूट के नाम से जानते हैं। अब फॉल्स फ्रूट किसे कहेंगे, आपने पहले प्रकार में देखा, वास्तविक फल में देखा कि फल का विकास किससे हो रहा है, अंडाशय से। लेकिन यदि फल का विकास, लेकिन यदि फल का विकास पुष्प के अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से हो, यदि फल का विकास पुष्प के अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से हो, तो वैसे फल को हम लोग कहते हैं आभासी फल। वैसे फल को हम लोग क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं, यानी कि मिथ्या फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। आपको डायग्राम याद हो, इस तरह का हमने डायग्राम बताया था आपको, और नीचे एक फूली हुई संरचना होती थी जिसे हमने कहा था अंडाशय। ये जो पार्ट है हमारा, इसे हम लोग कहते हैं अंडाशय ओवरी, और इसी से फल का विकास होता है। इसके अंदर बीजांड होते हैं और बीजांड से बीज का विकास होता है, और ये जो भाग था इसे हमने कहा था पुष्पासन। इसे हमने क्या कहा था, पुष्पासन यानी कि थैलेमस।
यदि आपसे पूछा जाए आभासी फल के उदाहरण क्या होंगे, हमने आपको पहले कैटेगरी में बताया कि वास्तविक फल के उदाहरण में अधिकांश फल आ जाते हैं, लेकिन कुछ एक फल होते हैं जो कि आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। इसके एग्जांपल में आपको आ जाते हैं सेब, इसके अलावा रसभरी जिसको हम लोग स्ट्रॉबेरी के नाम से जानते हैं, और अखरोट। ये तीन फल जो हैं, ये तीन फल किसके अंतर्गत आते हैं? आभासी फल के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों का जो विकास होता है उसके अंडाशय को छोड़कर किसी अन्य भाग से होता है, और यहाँ पर कोई अन्य भाग क्या हो सकते हैं? वह होता है आपका पुष्पाशय। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेब का जो विकास होता है, सेब फल जो है उसका जो निर्माण पुष्प के किस भाग से होता है? तो पुष्पाशन पर होता है। यहाँ पर क्या होता है, पुष्पाशन ही फूल करके गुद्देदार हो जाते हैं। पुष्पाशन फूल करके गुद्देदार हो जाते हैं, और ये फ्लेसी यानी कि एक जो हम लोग सेब खाते हैं, सेब का जो गुद्देदार भाग होता है वह पुष्पाशन का ही भाग होता है, और तब जाकर के एक सेब का सेब आता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए सेब, रसभरी और अखरोट, इन तीनों प्रकार के फलों का निर्माण पुष्प के किस भाग से होगा? वह होगा आपका किससे होगा? वह होगा पुष्पाशन से होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? हम आगे बढ़ते हैं। ये दो प्रकार के फल यहाँ से हो गए। अब हम तीसरे प्रकार के फल को पढ़ते हैं। थर्ड टाइप है वह है आपका अनिषेक जनित फल। अनिषेक जनित फल, या फिर इसे आप लोग पार्थेनोकार्पिक, इसे आप क्या कहोगे? पार्थेनोकार्पिक फल। अंग्रेजी में हम लोग इसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं, पार्थिनो कार्पिक फ्रूट। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था अनिषेक जनन पढ़ा था। जब किसी जीव का विकास बिना निषेचन के हो जाता है तो इस प्रक्रिया को हमने कहा था अनिषेक जनन, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस कहा था। तो ठीक यहां पर भी है, यदि फल का विकास सामान्यतः आपने क्या देखा, निषेचन के बाद ही अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, लेकिन कुछ फल ऐसे होते हैं जहां निषेचन नहीं होता है लेकिन इसके बाद भी फल का विकास हो जाता है। तो जब किसी फल का विकास बिना निषेचन के हो जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के हो जाए, तो इस विधि से प्राप्त फल को हम क्या कहेंगे? और निषेक जनित फल, या फिर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। और ऐसे फल जो होते हैं वो बीज विहीन होते हैं, सीडलेस होते हैं, इनमें बीज नहीं पाया जाता है, जैसे कि केला। इसके अलावा अनानास, ये सारे के सारे फल ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं होता है, और इसका जो विकास होता है वो बिना निषेचन के होता है। तो ध्यान रखें इस बात को, अनिषेक जनित के फल में आपको बीज विहीन फल आते हैं। वैसे फल जिनका विकास बिना निषेचन के, जिसका विकास अंडाशय की बिना निषेचन के होता हो, उसे हम लोग कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी कि अनिषेक जनित फल। और ऐसे फल के अंतर्गत आपको आ जाते हैं बीज विहीन फल, जैसे कि केला हो गया, इसके अलावा अनानास हो गया। तो ऐसे फल को हम लोग कहते हैं अनिषेक जनित फल। आइए हम लोग अब लास्ट टाइप पढ़ते हैं। फोर्थ टाइप का जो फल है वह है आपका एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फल, एग्रीगेट फ्रूट किसे कहते हैं? जब किसी फल का विकास कई अंडाशय के संयोग से हो, सामान्यतः जो फल का विकास होता है वह एक ही अंडाशय से होता है, लेकिन कभी कभार देखा जाता है कि जो फल का विकास होता है वह कई अंडाशय के संयोजन से होता है। तो ऐसे फल को हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फ्रूट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपको आ जाते हैं जैक फ्रूट, यानी कि कटहल। कटहल के अंदर आप देखोगे कई एडिबल पार्ट्स होते हैं, कई खाने योग्य भाग होते हैं, और उन प्रत्येक भाग का निर्माण एक अंडाशय से होता है, और प्रत्येक अंडाशय के अंदर एक
बीजांड होते हैं, इसलिए प्रत्येक कटहल के एक खाने वाले जो भाग होते हैं उसके अंदर एक बीज होता है। ध्यान रखिएगा, जब फल का निर्माण कई अंडाशय के सहयोग से हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एग्रीगेट फ्रूट कहेंगे। तो यहां तक आपका ये सारा फल का प्रकार हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद जो है आपका टॉपिक, इसे हम लोग देखते हैं। यहां पर आपको कुछ पॉइंट्स देंगे और ये पॉइंट्स जो है काफी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। देखिए यहां पर आपको दो प्लांट के सीड का नाम दिया गया है, एक है आपका फोनिक्स टेक्टिलिफेरा और दूसरा है ल्यूपाइन ल्यूपिनस। इन दोनों के बारे में आपको जानना जरूरी है। जो फर्स्ट पॉइंट है वह है आपका ल्यूपाइन ल्यूपिनस, और जो सेकेंड है वह है आपका फोनिक्स डक्टिलिफेरा। इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। ल्यूपाइन ल्यूपिनस और फिर सेकेंड में आपका फोनिक्स डक्टिलिफेरा। यह बीज जो है काफी पुराना है। यह ल्यूपाइन ल्यूपिनस लगभग 10,000 से भी अधिक पुराने बीज के उदाहरण में आते हैं। अर्थात जब इन बीज को पुरातात्विक खुदाई के दौरान पाया गया और पुनः जब इसे लगाया गया तो इससे पौधे का विकास हुआ। इसका अर्थ क्या हुआ, अभी जस्ट हमने आपको प्रसुप्ति यानी कि डोरमेंसी बताया। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बीज के अंदर जो निहित भ्रूण था वह अभी तक 10,000 वर्ष के बाद भी सुरक्षित था। तो यह दर्शा रहा है कि बीज का जो प्रसुप्ति काल है वह बहुत ही लंबे अरसों तक हो सकता है। तो इसे क्या है, आर्कटिक टुंड्रा नामक प्रदेश से खनित किया गया था। तो ध्यान रखिएगा ल्यूपाइन ल्यूपिनस क्या हो गया आपका, वह 10,000 पुराना बीज है जो कि 10,000 वर्ष के प्रसुप्ति के पश्चात एक नए पौधे को जन्म दिया। अब उसके बाद जो है आपका फोनिक्स डक्टिलिफेरा, यह एक खजूर का बीज है जिसे लगभग लगभग 2,000 वर्ष की प्रसुप्ति के पश्चात एक नए पौधे को अंकुरित किया। तो ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग, ये दोनों के बीज की जो उदाहरण है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से पहला जो है आपका वह ल्यूपाइन ल्यूपिनस है और जो सेकेंड है आपका फोनिक्स डक्टिलिफेरा है। ये नीचे का जो बीज है वह आपका खजूर का बीज है जो कि 2,000 वर्ष की प्रसुप्ति के पश्चात अंकुरित हुआ, और ऊपर का जो है आपका ल्यूपाइन ल्यूपिनस यह 10,000 वर्ष की प्रसुप्ति के पश्चात अंकुरित हुआ। तो ध्यान रखिएगा इसी जो है नीचे वाला जो है आपको इसी प्राप्त किया गया था आर्कटिक टुंड्रा नामक प्रदेश से, आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश से, जबकि यह जो है खजूर का जो बीज है मृत सागर के पास जो राजा हेराल्ड हुआ करते थे, किंग हेराल्ड के महल की जब खुदाई की गई तो वहां से बीज के अवशेष प्राप्त हुए थे। तो और जब इन बीज को जब उगाया गया फिर लगाया गया तो वह लगभग अनुमानित किया गया, जब इसकी गणना की गई, जब इसका अध्ययन किया गया तो पता चला कि 2,000 वर्ष पूर्व का बीज है और यह 2,000 वर्ष के पश्चात भी एक नए पौधे को जन्म देने में सक्षम हुआ। तो यह है आपका दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, इसे आप लोग एक बार नोट्स भी कर लें। अब हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि है आपका असंग जनन और बहुभुजता। इसके बाद जो होगा वह आपका टॉपिक समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग अगले एक्सरसाइज की ओर प्रस्थान करेंगे। तो हम लोग लास्ट टॉपिक देखते हैं।
लास्ट टॉपिक है आपका असंग जनन और बहुभ्रूणता, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रायोनी। असंग जनन किसे कहेंगे और बहुभ्रूणता किसे कहेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को पढ़ते हैं, उसके बाद आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अभी जस्ट हमने आपको बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि कभी कभार क्या होता है, बिना निश्चय के भी जीव बन जाते हैं, और इस प्रकार की जो विधि होती है इसे हम लोग कहते हैं असंग अनिश्चित जनन। क्या कहते हैं? अनिश्चित जनन। जब किसी जीव का निर्माण बिना निश्चय के हो तो अनिश्चित जनन, लेकिन जब किसी बीज का निर्माण बिना निश्चय के हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? असंग जनन कहेंगे, एपोमिक्सिस कहेंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये। जब किसी बीज का निर्माण बिना निश्चय के हो जाए, अभी तक आपने देखा था जब कभी भी बीज बनता था निश्चय के बाद बनता था, और वो भी बीजाणु से बीज बनता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, बिना निश्चय के ही जीव बीज बन रहा है, और बीज बनने की यह प्रक्रिया क्या होती है, इसे हम लोग असंग जनन एपोमिक्सिस कहते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमने क्या बताया आपको, बिना निश्चय के बीज बनने की प्रक्रिया को असंग जनन यानी कि एपोमिक्सिस कहते हैं। अब देखिए इसके अंतर्गत कुछ ऐसे पौधे आते हैं जैसे कि एस्ट्रेसिया, और कुछ खास किस्म के जो पौधे होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जहां पर बीज का जो निर्माण होता है वह बिना मिश्रण के ही हो जाता है। तो आप क्या यहां सोचते हैं, यहां पर पौधे किस प्रकार के अनुकूलन को दर्शाया होगा कि बिना मिश्रण के ही बीज बन गया? तो आपको पता होना चाहिए जब कभी भी निश्चय की प्रक्रिया में दो कोशिका आदि भाग लेते हैं तो दोनों कोशिका क्या होते हैं, अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और सामान्यतः अगुणित कोशिका ही फर्टिलाइजेशन में निश्चय में भाग लेते हैं, लेकिन जहां पर पैतृक कोशिका, जहां पर पैरेंटल सेल क्या करेगा, द्विगुणित कोशिका उत्पन्न करेगा, डिप्लॉइड सेल उत्पन्न करेगा, तो वहां पर क्या होंगे, निश्चय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहां पर क्या होता है, पैरेंटल यानी कि प्लांट सेल पहले का जो होता है सेल वह डायरेक्ट डिप्लॉइड सेल प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से क्या होता है, ऐसे सेल को, ऐसी कोशिका को फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती है, या फिर बीज के आसपास के जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं वही डायरेक्ट, वही क्या होते हैं, डायरेक्ट डेवलप कर जाते हैं बीज के रूप में। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, यह काफी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया एपोमिक्सिस। एक एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया है कि वैसे बीज जो असंग जनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं उस बीज को क्या कहा जाता है, अर्थात वैसे बीज जो एपोमिक्सिस के बाद बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एपोमिक्टिक सीड कहते हैं। ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी ये आपके लिए छोड़ रखा है आपको पता करने के लिए, एपोमिक्टिक बीज, एपोमिक्टिक सीड। तो यदि आपसे पूछा जाए एपोमिक्टिक बीज किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा वैसे बीज जिनका विकास बिना निश्चय के होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, एपोमिक्टिक सीड कहेंगे, या फिर असंग जनन के परिणाम स्वरूप बने बीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, एपोमिक्टिक सीड या बीज कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा तो ये आपका पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाता है। अब आपका केवल और केवल एक पॉइंट बचता है, बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता यानी कि नाम से क्लियर है, बहु का मतलब यहाँ पर हो गया अनेक, पॉली का मतलब क्या हो गया, अनेक, और एम्ब्रायो। सामान्यता क्या होता है, किसी बीज में एक ही भ्रूण पाए जाते हैं, सामान्यता किसी बीज में एक ही भ्रूण पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ बीजों में देखा गया है कि एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण की उपस्थिति हो तो इस अवस्था को, तो इस स्थिति को हम लोग कहते हैं बहुभ्रूणता यानी कि पॉली एम्ब्रायो। फिर सुनिएगा,
कि जब किसी बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हो तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं बहुभ्रूणता। और इसका एक्सेलेंट एग्जाम्पल आपको संतरे का बीज आता है, जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं। तो इस चैप्टर में आपका बस इतना ही है, अगले क्लास में हम लोग हाजिर होंगे, हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, वह चैप्टर आपका जेनेटिक्स का होगा। हम यहाँ के जो दो चैप्टर है रिप्रोडक्शन का, मानव जनन और मानव स्वास्थ्य, इसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग जो है जेनेटिक्स पढ़ेंगे। इस दोनों चैप्टर को हम आपको ऑफलाइन क्लास में बताएंगे। तो अगले क्लास में हम लोग जो मिलेंगे वह अनुवांशिकी का एक चैप्टर होगा, जो पहला चैप्टर है इसका, अनुवांशिकी का जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है, वंशागति एवं विविधता की जो इकाई है, ठीक है, जो उसे हम लोग देखेंगे जेनेटिक्स में, जो फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स एंड वेरिएशंस ऑफ हेरिडिटी, इसे हम लोग देखेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो बहुभ्रूणता ये आपका कंप्लीट होता है ये चैप्टर यहीं पर, और हम लोग अगले क्लास में जेनेटिक्स के साथ मिलेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग जो है 11th का भी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, और जो बच्चे आपके जो आपके साथ जुड़े होंगे 11th के बच्चे, आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं और ये रेगुलर क्लास आपका चलता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा 11th का भी आपका क्लास आने वाला है। इसके अलावा आपके लिए एक नया चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है जेनेटिक्स, जो कि काफी मायने रखता है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, और इसे हम लोग देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए।